की है बच्चों के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो हमने कोरोना काल के कारण से विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कोरोना के कारण से पिछले वर्ष पढ़ाई प्रभावित हुई थी, पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ था। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे अच्छा विकल्प था उस विकल्प का हमने वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके और परीक्षा परिणाम घोषित किया है। सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या है 3,56,000 से कुछ अधिक। द्वितीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है 3,97,626। तृतीय श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। यदि उनको विकल्प के रूप में परीक्षा में भी बैठना है तो परीक्षा भी जो हमारी आगामी परीक्षा होगी उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फिर से बैठ सकेंगे और परीक्षा देकर के भी अपनी परीक्षा पद्धति से भी मूल्यांकन अपना आकलन कर सकेंगे। अभी जो विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए उन सबको अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता दे रहे हैं। जब भी वो बैठेंगे परीक्षा में, आगामी परीक्षा में, तब उनके लिए, क्योंकि ये विकल्प हमने खुला रखा है और उस विकल्प के आधार पर ही हम उनको एक सुविधा दे रहे हैं ताकि कोई विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये जो मूल्यांकन पद्धति थी इस पद्धति से हमको कम अंक आए हैं, हमको ज़्यादा अंक आ सकते थे। जितनी भी दुविधा या भ्रम हो उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो अपना फिर से आवेदन कर सकते हैं। उनको हम एक अवसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। 11वीं और 12वीं के हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को 25-26 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कम संख्या में कक्षा में उपस्थिति को तय करते हुए संस्थाओं को, प्राचार्यों को अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। जहाँ पर क्षमता ठीक है बैठने की 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो एक दिन दो दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का तो भी उनके लिए छूट रहेगी। हम कड़ाई के साथ में उपस्थिति तय करने नहीं जा रहे हैं। विद्यार्थी यानी बच्चे स्वेच्छा से अभिभावकों से असहमति के नहीं आएंगे, सहमति लेकर आएंगे और अपने शिक्षक से छोटे छोटे समूह में जो कुछ उनको पूछना है, जो कुछ पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ाना है वो हम जारी रखेंगे। क्योंकि लंबे समय से सब ओर से मांग आ रही थी, अभिभावक चाहते थे, विद्यार्थी चाहते थे। पिछले समय हमने लास्ट जून में ही काफी लोगों से परामर्श किया था, संपर्क किया था। हमारी तैयारी 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की थी परंतु कोरोना का संक्रमण, कुछ आंकड़े कम हुए फिर आंकड़े बढ़ गए थे। इसलिए हम सोच विचार करके, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसलिए हम
अभी केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कम संख्या में उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलेंगे। यदि परिस्थिति कोरोना की थोड़ी भी कोई चेंज होती है, यदि कोरोना हमारे प्रदेश के में समाप्त होता है, तब तो हम उसको निरंतर रखेंगे। आगे बाकी जो कक्षा है उनके लिए भी खोलने का विकल्प सोचेंगे, आगे विचार करेंगे उस पर। लेकिन यदि थोड़ी भी परिस्थिति ऐसी होती है, समाज जीवन में कोरोना का प्रभाव भी थोड़ा बढ़ता भी है, तो हम तत्काल स्कूलों को फिर से बंद करने का भी निर्णय रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे हर हालत में सुरक्षित रहे। हम एक बात और इसमें सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे उनका सबका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता हमने की है, इसलिए हमारे शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन यदि किसी कारण से, कोई तबीयत खराब होने के कारण से, किसी और कारण से यदि वो छूटे हैं, तब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हम उनको बच्चों के संपर्क में आने के लिए मनाई करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए क्लास लेने के लिए मनाई करेंगे। इसका हम कठोरता से पालन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों में जो स्कूलों से दूर होने की वृत्ति, घर में एक प्रकार से मानसिक रूप से कई प्रकार के मनोरोग से प्रभावित होने वाली स्थिति आ रही थी, इसलिए निर्णय किया गया है। आगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना हमारे प्रदेश में नहीं आए, ताकि हम बाकी जो बच्चे हैं जो भी इस स्कूल खोलने की योजना से बाहर है, उन कक्षाओं को भी हम आगे जा करके खोल सकें। दसवीं की जो परीक्षा है, आपने जो रिजल्ट घोषित किया है, इसका आधार क्या है आपका? हमने वर्ष भर का जो आकलन किया है, इंटरनल जो हमारा असेसमेंट होता है, त्रैमासिक परीक्षा हुई है, छमासिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड वगैरह और प्री बोर्ड की परीक्षा भी हुई है, उन परीक्षाओं के आधार पर हमने ये मूल्यांकन का आधार बनाया। प्रिय भांजो, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो, और इसलिए ये तय किया बेस्ट ऑफ फाइव के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। एक 9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। लाडली भांजियों, श्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। सीएम शिवराज ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं, उज्जवल भविष्य की कामना की है, और कोविड का जिक्र भी किया कि कोविड की वजह से इस बार एग्जाम्स नहीं हो पाए, लेकिन छात्रों को मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहा है, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। दसवीं का रिजल्ट जारी किया गया, 100% रिजल्ट इस बार रहा दसवीं का, और इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से रिजल्ट जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र असंतुष्ट हैं, जो छात्र खुश नहीं हैं नतीजों से, वो फिजिकल एग्जामिनेशन अटेंड कर सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा तारीखों की घोषणा की जाएगी। उसके पहले उन्हें ये एनालाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने परिणामों को एक बार देख समझ सकते हैं कि आखिर उनका नतीजा, उनका परिणाम ऐसा क्यों है।
चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी। 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया। सौरभ को 500 में से 480 अंक मिले, बड़ी खबर। सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया, बड़ी और अहम खबर। सभी छात्र पास हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सौरभ साहू नाम की 10वीं के छात्र का सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से रिजल्ट घोषित हुआ। 100% रिजल्ट इस बार है, सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया, सभी छात्र पास हैं। हालांकि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं है, सभी छात्रों को पास किया गया है, किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया, दरअसल सबको प्रमोट कर दिया गया है कोविड की वजह से। बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से यह फैसला लिया गया और रिजल्ट जारी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छात्रों से मुखातिब होते हुए उनको शुभकामनाएं दी, छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और मेहनत करते हुए पढ़ते रहने की भी उन्होंने हिदायत दी है। दसवीं के रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दसवीं के पास हुए छात्रों से मुखातिब हुए, उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और क्या कहा ये सुनिए। प्रिय भांजो, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसलिए तय किया बेस्ट ऑफ फाइव के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। एक 9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, परिस्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन कई दिनों से स्कूल नहीं खुले। ऑनलाइन और वर्चुअल पढ़ाई एक्चुअल का विकल्प नहीं हो सकती, आखिर विद्यालय विद्यालय होते हैं। और इसलिए अब महाविद्यालय विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया तय की जा रही है। मैं एक ध्यान रखना, कोरोना की तीसरी लहर पर हमारी नजर भी है, तैयारी भी सब कर रहे हैं, लेकिन आप कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करते रहना, यह बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, उज्जवल भविष्य की कामना की छात्रों की। दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, सौरभ साहू को 500 में से 480 अंक मिले हैं, सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया।
असंतुष्ट छात्र दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया गया है कि जो छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड के असेसमेंट के कायदे से संतुष्ट नहीं है, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो एक बार फिर से एग्जाम दे सकेंगे। हालांकि इस बार फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उनके लिए, और इसके अलावा 11, 12 के स्कूल खोलने पर भी सरकार ने फैसला लिया है कि 25 से 26 जुलाई के दौरान स्कूलों को खोला जाएगा। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा मंत्री ने ली है। चलिए सीधा रुख करेंगे बड़वानी का, हमारे संवाददाता योगेश चोयल कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ लाइव। योगेश, क्या अपडेट है? दसवीं के रिजल्ट जारी किए गए, बड़वानी में क्या रिजल्ट रहा? हालांकि 100% रिजल्ट मध्य प्रदेश का है तो बड़वानी में भी यही फीसद होगा, लेकिन और क्या अपडेट है? बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पर एक लंबे समय का इंतजार था दसवीं का रिजल्ट को लेकर, और रिजल्ट आने के बाद ही बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं ऑनलाइन की दुकान पर हूं और आप उत्साह देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहां पर लगी, बच्चे जो है वो रिजल्ट देखने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और सबको एक उत्साह है कि उनका रिजल्ट लंबे समय के बाद आया है, क्योंकि दसवीं के बाद ही आगे का करियर का चयन करना होता है, और किस तरीके का उत्साह ये हम बच्चों से ही जानेंगे। यहां पर जो बच्चे रिजल्ट देखने आए, क्या नाम है आपका? क्रिश कोहली। किस तरीके का उत्साह है और क्या लग रहा है आपको, रिजल्ट लंबे समय के बाद आया है? एक्साइटमेंट है कि अभी एग्जाम हमने दिए नहीं है, अब किस तरह से हमारे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, क्या आप लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, सब्जेक्ट का चयन करना होता है, ऐसे में आपके मन में किस तरीके की दिलचस्पी थी? दिलचस्पी तो बहुत ही, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, जब लॉकडाउन चालू हो गई थी उसी के पहले से हमें चालू कर दी 10th के लिए कि इस बार अच्छे रिजल्ट आना है, बट कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए। अभी आप रिजल्ट देखने आए हैं, क्या बता रहा है अभी यहाँ? रिजल्ट आ नहीं रहा अभी। बिल्कुल, तो आयुष, यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए जो बच्चे आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर वेबसाइट जो है वो बिजी होने के कारण रिजल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लंबा समय था जब रिजल्ट घोषित हुआ है, क्योंकि दसवीं का जो रिजल्ट होता है उसके बाद आगे का उनको करियर चयन करना पड़ता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उत्साह बच्चों में देखने को खासतौर पर मिल रहा है। हालांकि ये बात तय हो चुकी कि रिजल्ट 100% रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों में जो परसेंटेज है वो क्या रहा है, इस बात का उनके अंदर उत्साह है। आयुष, योगेश, और बच्चों से भी बात करी जो वहां पर पहुंचे हैं, वो असेसमेंट के कायदे से कितने संतुष्ट हैं, क्या उम्मीद उनको है, और आगे किस तरह से उनके लिए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं है, क्या उनकी राय तमाम पहलुओं को लेकर? रिजल्ट अभी आयुष नहीं देख पा रहे वो, इसलिए हालांकि हाँ रिजल्ट खुल चुका है। आयुष, आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है कंप्यूटर में कि इनका रिजल्ट खुल चुका है, और इनका जो परसेंटेज रहा है वो 93% रहा है। अब कितना के परसेंटेज आपका? ये मेरा नहीं। किनका खुला है रिजल्ट? अच्छा, बिल्कुल, तो आप परसेंटेज जो है वो आप ये देखेंगे, रिजल्ट खुल चुका है आयुष, और बच्चों में खासा उत्साह है, हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनका परसेंटेज क्या रहा है। आयुष, योगेश, बात करिए आगे क्या जो संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, क्योंकि सरकार ने ऑप्शन दिया है कि अगर अपने नतीजे से कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर हो सकता है, एग्जाम वो दे सकता है। यहां पर जो छात्र मौजूद हैं उनमें से कितने इस कायदे से संतुष्ट हैं, अपने नतीजों को लेकर उनके जहन में कितना संतोष है, और अगर नहीं है तो क्या आगे एग्जाम देंगे या फिर एनालाइज करेंगे, क्योंकि इंदर सिंह परमार ने कहा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वेबसाइट के जरिए देखा जा सकता है कि किस आधार पर कितना रिजल्ट दिया गया है, उनसे पूछिए। बिल्कुल आयुष, हालांकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पोर्टल बहुत बिजी होने के चलते वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे, आपको क्या लग रहा है, आपका रिजल्ट देख पाए आपने? नहीं, रिजल्ट नहीं देख पाए। क्या लग रहा है आगे की क्या स्थिति रहेगी, रिजल्ट आने के बाद क्या आप करियर चुनेंगे, किस तरफ, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मैं कॉमर्स फील्ड में जाऊँगा। कॉमर्स फील्ड में जाना चाहेंगे, बिल्कुल। तो आयुष, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खास तौर पर यही कहना है कि अभी रिजल्ट वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि पोर्टल बार बार बिजी आ रहा है, लेकिन उनका करियर जो है वो उन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि वो कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहेंगे। आयुष, चलिए योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल कुछ जगह पर जो पोर्टल है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, दरअसल सर्वर डाउन भी कुछ जगह पर, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार छात्र अपने रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं ताकि उनको अपना परिणाम पता चले, इस वजह से भी वेबसाइट कई जगह पर नहीं खुल पा रही है।
ये ऑप्शन दिया गया छात्रों को कि वो एग्जाम दे सकते हैं अगर अपने नतीजे से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो कि आखिर नतीजा किस आधार पर है, क्या कायदा सेट किया गया किस आधार पर उनको ये रिजल्ट दिया जा रहा है, पहले इसको देख सकते हैं और उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर अगला ऑप्शन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकली एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे दरअसल, ये ऑप्शन दिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम वो दे सकेंगे, ये ऑप्शन दिया गया है। इंदर सिंह परमार ने इसका जिक्र किया और मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। 356,000 जो छात्र हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और इसके अलावा और भी कई जानकारियां साझा की गई हैं। इंदर सिंह परमार की तरफ से उन्होंने बताया कि फर्स्ट डिवीजन 356,000 छात्र पास हुए, सेकेंड डिवीजन से 395,000 बच्चे पास हुए हैं और थर्ड डिवीजन से 159,000 बच्चे पास हुए हैं। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एमपी के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सौरभ साहू को 500 में से 480 अंक मिले हैं। सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है भोपाल से, मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है। कोविड की वजह से इस बार एग्जाम्स नहीं हुए, इसी वजह से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया और यही वजह है कि छात्रों को मौका भी दिया गया है, चांस भी दिया गया है कि जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम दे सकेंगे, उनके पास ये ऑप्शन होगा। बड़ी और अहम खबर, टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं जारी की गई है। 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया, इस बार मेरिट लिस्ट नहीं है। बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लाडली भांजियो, प्रिय भांजो, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसलिए ये तय किया बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। लाडली भांजियों, प्रिय भांजो, बधाई। शुभकामना संदेश हमने आपको तीसरी बार सुनवाया मुख्यमंत्री का, आपने सुना क्या कहा मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामना देते हुए और बताया कि छात्रों के पास ये ऑप्शन है कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, उनके लिए ये विकल्प खुला रखा गया है। छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है और सभी बच्चे पास हो गए इस बार। मध्य प्रदेश में 10वीं के रिजल्ट में कोई भी बच्चा एमपी बोर्ड में 10वीं के रिजल्ट में फेल नहीं हुआ है। सौरभ साहू नाम के छात्र का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया गया, इसके बाद पूरी फहरिस्त आ गई और 3,00,000 से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन, 3,00,000 से ज्यादा बच्चे सेकंड डिवीजन, 1,50,000 के करीब थर्ड डिवीजन से बच्चे पास हुए। का
रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री। सर बताइए क्या पैटर्न रहा, किस पैटर्न से आज ये रिजल्ट? इंटरनल असेसमेंट का हमारे व्यवस्था है, उसके आधार पर हमने परीक्षा परिणाम घोषित किया है और इसलिए सभी विद्यार्थी पास हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो बच्चे इस परिणाम से असंतुष्ट है वो फिर से परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिनको अपना पूरा रिजल्ट देखना है वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ट्वेल्थ का क्या फॉर्मूला रहेगा और उसका रिजल्ट कब? ट्वेल्थ का फार्मूला टेंथ में जो बेस्ट ऑफ 5 अंक आए हैं उनको आधार मान करके हम ट्वेल्थ का रिजल्ट बनाने की ओर काम चल रहा है। हम जुलाई लास्ट तक परिणाम घोषित कर देंगे। स्कूल खोलने की क्या तैयारी है सर? स्कूल खोलने की हमारी तैयारी है, समूह में छोड़ कम संख्या में बच्चों को क्लास में बैठने के लिए हम बुला सकते हैं और उनको पढ़ाई का काम 25-26 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हम सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो स्कूल खोलने की भी जल्द ही तैयारी, रिजल्ट आ चुके हैं, 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए स्कूल अब जल्द ही मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। एक्सक्लूसिव बातचीत स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इंडिया न्यूज से की और इंडिया न्यूज के कैमरे पर उन्होंने छात्रों को शुभकामना दी है, बधाई दी है। इंटरनल असेसमेंट का जिक्र किया उन्होंने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश भी आपको सुनवाया, सीएम ने भी छात्रों को शुभकामना दी है।